स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलेगाज लिटरेचर क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ्स एंड अच्छे से पढ़ाई करते होंगे आप लोग। जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं सब पढ़ लिया होगा। एंड लाइक ऑलवेज मैं कहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो वाइल डूइंग आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस, सो प्लीज़ कॉमेंट मी इन माई कॉमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज पोएम। पोएम पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत राइटर के बारे में जान लेते हैं। आज की जो पोएम है, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, रिटन बाय फीब कैरी। इसको क्या पढ़ेंगे, राइटर के नाम को हम क्या पढ़ेंगे, फीब कैरी। ओके, फीब कैरी बहुत ही फेमस राइटर रही है 19th century की। एंड उनकी सिस्टर भी जो थी उन्हीं की तरह फेमस थी। दोनों सिस्टर्स ने मिलकर बहुत सारी बुक्स एक साथ पब्लिश की है, को ऑथराइज्ड किया है, पोएम्स लिखी हैं। एंड कुछ समय बाद फिर वो लोग अपना अपना अलग 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 हो गए एंड दोनों अलग अलग अपनी पोएम्स को लिखना शुरू कर दिए। बट दोनों ही बहुत ही फेमस राइटर रही हैं अपने टाइम की। एंड बोथ वो अमेरिकन्स एंड इवन इन दिस एज ऑल्सो, इवन टिल नाउ ऑल्सो, उन्हें मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत ही अच्छे पोएम्स लिखे हैं दोनों ही सिस्टर्स ने। एंड आज हम फीब कैरी की एक पोएम पढ़ने वाले हैं, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। टाइटल डिस्कस करते हैं बेटा। लेजेंड मतलब क्या होता है, एक ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरी, एक ऐसी एंशियंट स्टोरी जो एक्चुअल में रियल नहीं होती है, ज़्यादातर माना जाता है कि ऑथेंटिक नहीं होती है, सच्चाई के साथ उसका वास्ता नहीं होता है। बट जो स्टोरी होती है वो हमें कहीं ना कहीं एक मॉरल लेसन देती है, मॉरल मैसेज देती है। दैट वाज द रीज़न हम जैसे कि महाभारत, जैसे कि रामायण, ऐसी अक्सर बहुत सारी कहानियां हैं जो लोग बिलीव करते हैं, या किसी भी रिलीजन की बहुत सारी कहानियां हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, इस्लाम धर्म की हो, या हिंदू धर्म की हो, या ईसाई धर्म की हो। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो लोग बिलीव करते हैं कि मिथ है, ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ लेजेंड है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बट एक्चुअल में कुछ उसकी रियलिटी नहीं है, रियल रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी। सो यहाँ पर जो लेजेंड हम पढ़ने वाले हैं, एक ऐसी कहानी पढ़ने वाले हैं जो ऑथेंटिक नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जा रही है। एंड वो कहाँ की स्टोरी है, नॉर्थलैंड की स्टोरी है। नॉर्थलैंड बेटा, नॉर्थलैंड उन कंट्रीज़ को माना जाता है, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं जो नॉर्थ पोल रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप अलास्का को देख लो, नॉर्दर्न रीजन के रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आसान ज़बान में बताया जाए तो जहाँ पे जो दिन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, रात बहुत ही लंबी होती है। ओके, एक्चुअली में होता है। एंड नॉर्थलैंड की स्टोरी है, ऑथेंटिक है या नहीं है नोबडी नोज अबाउट इट, बट ये आज भी ये कहानी सुनाई जाती है। बेटा ये जो पोएम है वो एक बैले है, BALLAD। बैले किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे कल्चर में बहुत सारे फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, लोक गीत होते हैं। सो अक्सर आपने देखा है कि कोई कोई गीत ऐसे होते हैं जिसमें कहानियाँ होती हैं, जो एक होता ना कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कहीं रिटन कुछ नहीं होता है उस स्टोरी को लेकर, लेकिन कई जनरेशन टू जनरेशन वो स्टोरी पास ऑन होती रहती है एंड वो कहीं ना कहीं एक कल्चर का फॉर्म ले लेती है वो कई सालों से। जैसे कि कृष्ण जी ने अगर कोई गीत सुनाया है, फिर दूसरों को पता चला, फिर दूसरों को जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ। एंड आज भी बहुत सारी कहानियाँ हमें पता है जो उस टाइम की हुआ करती थी, कोई रिटन फॉर्मेट में नहीं है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, बट लोग ये बिलीव करते हैं कि ये चीज़ हुई थी एक टाइम पे जब कहानी सुनाई गई थी। तो बैले जो कि गीत गाते हैं लोग, उसमें कहानी होती है, रिदम होता है लेकिन कहानी होती है, उसे हम बैले कहते हैं, जो पास ऑन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, सो ये जो कहानी है वो पास ऑन हुई है एंड बहुत समय पहले की है, बहुत समय पहले की। दैट वॉज द रीज़न पोइट ने इसका जो स्टोरी का नाम जो रखा वो सिंपली स्टोरी ऑफ द नॉर्थलैंड नहीं रखा बल्कि लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रखा। ठीक है, बहुत हिस्टोरिकल, बहुत ही एंशियंट टाइम की स्टोरी है। दिस पोएम नैरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीड। अभी स्टोरी क्या है,
ये स्टोरी है एक ओल्ड लेडी की जिसने गुस्सा दिला दिया था सेंट पीटर को। नॉर्मली क्या होता है, हमारे में भी माना जाता है कि साधु संत को उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो वो श्राप भी दे सकते हैं, और हम श्राप से बहुत ज़्यादा डरते हैं, स्पेशली उन लोगों के श्राप से बहुत ज़्यादा डरते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक स्टेचर पे होते हैं। तो सो सेंट पीटर को उन्होंने गुस्सा दिला दिया। क्यों गुस्सा दिला, रीज़न क्या था, अपनी लालच की वजह से, अपनी ग्रीड की वजह से। देखते हैं स्टोरी में क्या है। 16 स्टैंडर्स हैं, फोर छोटे 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 फोर लाइन में डिवाइडेड हैं, एंड बैले इसी फॉर्मेट में होता है बेटा, स्टैंडर्स के फॉर्मेट में होता है एंड छोटे छोटे लाइन होते हैं, 4 to 6 लाइन्स के होते हैं पर स्टैंडर। और देखते हैं, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द रीजन ऑफ नॉर्थ लैंड, जो भी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे सुबह जो होती है वो छोटी होती है, रात जो होती है वो लंबी होती है। सो अवे अवे इन नॉर्थ लैंड, बहुत 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 दूर, ठीक है ना, बहुत दूर, फार अवे, एक कंट्री की बात बताई जा रही है जो नॉर्थ पोल के रीजन में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जो घंटे होते हैं दिन के वो बहुत ही कम होते हैं और जो नाइट होती है वो बहुत ही लंबी होती है, स्पेशली इन विंटर। यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी ठंडियों में क्या होता है कि दिन छोटी होती है और रात बड़ी होती है। तो आप अगर बात करो कि एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस की, एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज़ की, सो यू कैन इमेजिन कि कितनी छोटी रात होगी और कितना लंबा दिन होगा। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इतनी लंबी रात होती है, कई बार आँखें खुलती हैं, या कई लोग क्या काम करते हैं रात में, बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि उतना घंटा सोने की उन्हें आदत नहीं होती, इतना लंबा कोई नहीं सो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोते हैं तो 7-6 घंटे सोते हैं, अदरवाइज उठ के अपना काम करते हैं। वेयर दे हार्नेस द शिफ्ट रेंडर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन द फनी फरी क्लोथ्स। अब यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सी आपको बताती हूँ कि ठंडी का अगर आप लोगों ने प्लेस देखा होगा तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो 4-5 ऐसे रस्सी में बंधे होते हैं, जो एक कार्ट को ड्रैग करते रहते हैं। कार्ट जो रहता है उस पर कोई इंसान बैठा होता है या बच्चा बैठा होता है, एंड कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो रस्सी से बंधे होते हैं उस कार्ट से, एंड वो ड्रैग करने के लिए लेकर ड्रैग करते करते उस प्लेस पे वो खेलते हैं या घूमते हैं, या कोई सामान अगर होता है उस कार्ट में ले जाकर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो। तो यहाँ पर जो हार्नेस है वो प्रोसीजर है, जो कार्ट को वो खींच रहे हैं, रेंडियर उस एनिमल का नाम है जो कोल्ड प्लेसेस पे एग्जिस्ट करता है, नॉर्दर्न एरियाज में एग्जिस्ट करता है, एंड स्लेजेस मतलब कि कार्ट। सो रेंडियर्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, वो कार्ट को ड्रैग कर रहे हैं जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, तो क्योंकि नॉर्मली जो इंसान है वो बर्फ पे नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए क्या, किसका सहारा लिया गया है, रेंडियर्स का सहारा लिया गया है, एनिमल्स का सहारा लिया गया है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। पता है ना आप लोगों को, ऐसे स्वेटर्स आते हैं जो ऐसे ऊपर डाल दो कैप की तरह, सो उस पर वुलन वुलन लगे रहते हैं, फर लगे रहते हैं, तो बिल्कुल जो चिल्ड्रन है वो कैसे लग रहे हैं, जो भालू के बच्चे होते हैं वैसे ही लग रहे हैं उस फनी से व्योर में, उस फनी से क्लोथ्स में। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पे साफ साफ खुद राइटर ने कहा है कि वहाँ पर दे मतलब कि जो एल्डर्स होते हैं, एंड देम मतलब कि जो यंगर्स होते हैं। सो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। एक स्ट्रेंज सी स्टोरी है, नॉर्मली लोग बिलीव नहीं करते कि ऐसा भी हुआ होगा, जैसे कि कोई मैजिकल सी स्टोरी होती है जो हमें लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने अपने आसपास ऐसी स्टोरी को नहीं देखा है या खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो मैंने भी वहाँ पे एक स्टोरी सुनी है जो एल्डर्स सुनाते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज स्टोरी है, और मुझे लगता है कि मैं बिलीव नहीं करता उस स्टोरी पे, लेकिन एक बहुत अच्छा लेसन सिखाती है, दैट वॉज द रीज़न मैं आप लोगों को वो स्टोरी नैरेट करने वाला हूँ। सो वेदर यू बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर स्टोरी और नॉट, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, बट जो लेसन जो लर्न करवाया जाएगा उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को सीखो। दैट इज़ द रीज़न कि पोएट ने ये स्टोरी लिखी है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब एक समय की बात है, कभी भी कोई फेयरी टेल शुरू होती है तो क्या होता है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। सो एक समय की बात है कि एक बहुत ही अच्छे सेंट जिनका नाम था पीटर,
वो क्या करते थे, दुनिया में घूम घूम के प्रीच किया करते थे, उपदेश दिया करते थे धर्म को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि सेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट पीटर कौन थे, डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जो ईसाई, जो ईसा मसीह हैं उनके एक डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे, और वो प्रीच कर रहे हैं हर जगह जाके। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब कि ये दुनिया में रहते हैं, वर्ल्ड बिलो मतलब कि ये दुनिया में रहते थे, एंड वो घूम घूम के पूरे वर्ल्ड में प्रीच किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब यहाँ पर उन्होंने घूमते 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 एक जगह वो ठहरे और वो एक कॉटेज था छोटा सा, उस दरवाजे पर रुके वर्ल्ड का चक्कर लगाते लगाते, एंड उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि एक छोटी सी विमेन, यहाँ पर एज नहीं है, मतलब कि एज जो है वो विमेन की मिड एज है, बट हाइट में वो छोटी हैं, सो एक छोटी सी विमेन क्या कर रही थी, केक बना रही थी एंड उसे बेक कर रही थी हर्थ पे, हर्थ मतलब कि भट्टी होती है ना, उस पर वो बना रहे थे केक को, बेक कर रहे थे। सो वहाँ पर वो पहुँचे और देखते हैं क्या होता है। एंड बींग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम सिंगल वन। एंड जैसा कि वो बहुत टाइम से प्रीच कर रहे हैं, कई कई दिन लग जाते थे, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, सुबह हो जाए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी आवाज़ आ रही थी इस वजह से मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा, एंड सॉरी। एंड बींग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि बहुत टाइम से वो प्रीच कर रहे हैं, ऐसे सेंट क्या होते हैं, कई कई दिनों तक वो फास्ट करते हैं, लोगों को प्रीच करते हैं, अपने साथ कुछ खाना नहीं रखते हैं, तो अभी क्या है कि जो सेंट है वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, इसीलिए वो उससे जो छोटी सी जो औरत रहती है, जो लिटिल वुमेन रहती है, उससे वो केक मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे एक सिंगल केक दे दो, सो दैट कि मैं अपना जो फास्ट है वो ब्रेक कर सकूँ। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब little women तैयार हो जाती हैं एक केक देने के लिए, and क्या करती है, वो फिर से बेक करती है एक केक, एंड छोटा सा केक लेती है, छोटा सा पार्ट लेती है केक का और बेक करती है, एंड जैसे ही वो बेक होता है उसे ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा केक हो गया है, और उसके मन में एक लालच आ जाता है कि नहीं नहीं इतना बड़ा केक नहीं देना है, क्योंकि जो विमेन होती है वो माइजर भी होती है, बहुत ही कंजूस होती है, सो वो क्या करती है, नहीं नहीं इतना बड़ा केक नहीं दूंगी। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। उसके बाद फिर क्या करती है, नीट करती है, जो डफ होते हैं ना, जो आटा गूंथना होता है उसे हम नीटिंग कहते हैं, मेक अ डफ फ्रॉम द फ्लोर, सो आटा गूंथती है और फिर से वो एक छोटा सा उसका पार्ट लेती है और फिर बनाती है, फिर बेक करती है, और फिर लगता है कि अरे यार ये तो उतना ही बड़ा है जितना मैंने फर्स्ट केक बनाया था, उतना ही बड़ा हो गया। फिर वो क्या करती है, ना ना ना, फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट लिया केक का, उसने बेक किया, बहुत बड़ा नज़र आया, माइजर थी, कंजूस थी, नहीं देना चाहती थी, नहीं नहीं छोटा सा बना दे। फिर उसने क्या किया, फिर से अलग से एक डॉग बनाया, उसे नीट किया, उसे गूंथा, और उसके बाद छोटा सा पार्ट लिया और फिर बेक किया, एंड जब बेक किया तो फिर से वो फूल के बड़ा हो गया और उसी की तरह बड़ा हो गया जिस तरीके से पहले वाला था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डॉग, उसके बाद क्या किया, छोटा सा दिन लोई होता है जो हम रोटी के लिए बनाते हैं बच्चों के लिए, वो थोड़ा सा छोटा सा लिया और उसके पास को रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, मतलब इतना रोल किया कि मतलब वो बड़ा हो जाए, इतना पतला हो जाए, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। वेफर आपको पता है ना कि क्या होता है, जो आइसक्रीम में भी आप यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है खाने के, एकदम बिल्कुल पापड़ी की तरह होता है, बहुत पतला होता है, सो वैसे बेला और उस तरीके से एकदम बिल्कुल जब वो बेक हुआ तो बिल्कुल वेफर की तरह था, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। लेकिन उसे लगा कि नहीं नहीं ये भी नहीं यार, ये भी ज़्यादा लग रहा है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से उसके अंदर वो जो चीज़ है ना कि सेल्फिशनेस है, माइजरनेस है, कंजूसी है, स्वार्थ है अपना, कि वो नहीं दे रही है एक ऐसे भूखे इंसान को भी। फॉर शी सेड, अब वो क्या कहती है, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आई येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ।
अब वो क्या कह रही है कि यार जब मैं खाती हूँ अपने केक को तो मुझे बड़ा ही छोटा लगता है, बहुत कम लगता है अपने लिए, लेकिन अब भी मुझे देना है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं दे रही हूँ। वो क्या करती है, जितने भी उसने केक्स बनाए होते हैं सबको उठाकर शेल्फ पे रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री बिकॉज सेंट पीटर क्या थे, हंग्री थे, एंड उसकी सेल्फिशनेस को देखकर, उसके ग्रीडीनेस को देखकर, उसके माइजनेस को देखकर वो बहुत गुस्से में आ गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एक तो गुस्सा आ रहा था फिर उन्हें चक्कर भी आ रहा था। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, एंड इस तरह की औरत जो इतना ज़्यादा उसके अंदर स्वाद भरा हो वो काफ़ी थी उनके गुस्से को और भड़काने के लिए। प्रोवोक मतलब कि भड़काना, ठीक है ना, एक्साइट करना किसी के एंगर को। तो एक सेंट जो कि नॉर्मली बिलीव किया जाता है कि बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही कंपोज होते हैं, जल्दी गुस्सा नहीं आता है, और जब गुस्सा आता है तो आपको पता है कि क्या होता है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे लेसन्स पढ़े हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं जिसमें जो संत महात्मा को अगर कोई गुस्सा दिलाए तो वो श्राप दे देते हैं, वो श्राप सच हो जाता है। सॉरी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब यहाँ पर गुस्से में क्या कहते हैं कि तुम तो इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो, इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती हो, लेकिन ह्यूमन ऐसे नहीं होते हैं, इंसान ऐसे नहीं होते हैं, तुम डिजर्व नहीं करती हो इंसान होना, और इतना अच्छा प्रॉपरली तुम्हें फूड मिल रहा है, तुम्हारे पास घर है, और इतनी ठंडी में तुम्हारे पास आग है, लकड़ियाँ हैं कि तुम खुद को वार्म रख सको। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं बिकॉज यू आर ह्यूमन, और अगर तुम ह्यूमन ही नहीं हो, तुम बिहेव ही नहीं करी ह्यूमन की तरह, तो तुम ये सारी चीज़ें डिजर्व नहीं करती हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब वो श्राप दे रहे हैं, कर्स कर रहे हैं उसे कि अब तुम क्या करोगे ना, तुम चिड़िया बनो, ठीक है, ऐसी चिड़िया जो खुद से सब कुछ करती है, एंड शैल गेट यू स्कांटी फूड। एंड जैसे चिड़ियों को छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा खाना मिलता है ना, बहुत मुश्किल से खाना मिलता है जब वो पूरे दिन मशक्कत करती हैं, उस तरीके से तुम्हें खाना मिले बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन अ हार्ड ड्राई फूड। हम यहाँ पर कैसे बर्ड की बात कर रहे हैं बेटा, वुड पैकर की बात कर रहे हैं। वुड पैकर इज अ काइंड ऑफ बर्ड जो कि नॉर्मली हम ऐसे प्लेसेस से पाते हैं जो कि कोल्ड प्लेसेस होता है, वहाँ पर जो वुड पैकर क्या होते हैं, लकड़ियों के अंदर डिगिंग करते हैं बहुत लंबे समय तक, सो दैट कि उसके अंदर का जो इंसेक्ट है वो खा सके। सो बहुत मशक्कत करके उनको फूड मिलता है। सो उसी तरीके से वो श्राप देते हैं कि इतनी आसानी से तुम्हें सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें ना मिले, तुम्हें मेहनत करनी पड़े, और अगर तुम मेहनत भी करो तो तुम्हें बहुत ही लिमिटेड खाना मिले, बहुत ही लिमिटेड। आज तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी तुम लोगों के बारे में नहीं सोच रही हो, तो तुम ह्यूमन होना डिजर्व नहीं करती। एंड वो क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, कुछ नहीं बोलती है वो, उसको टाइम ही नहीं मिलता है बोलने का, वो तुरंत चिमनी के थ्रू जो हर्थ वाला एरिया होता है उसके ऊपर जो धुआं वाला जो पाइप होता है उसके बाहर से तुरंत निकल जाती है, एंड नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसे वक्त नहीं मिलता है कोई कुछ बोलने का। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और जैसे ही अंदर चिमनी के अंदर जाती है और बाहर निकलती है, सो वो विमेन नहीं होती है बल्कि एक वुड पैकर होती है, एंड शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो चिड़िया में बदल चुकी होती है, वो विमेन नहीं होती है, सॉरी। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैंने कोई लाइन मिस कर दिया क्या? ओके, या दिस वन, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। वुड पैकर को आप लोग गूगल आउट करिएगा बेटा, और आपको पता चलेगा कि पूरा जो बॉडी होता है वुड पैकर का वो पूरा कंप्लीटली एकदम ब्लैक होता है, एक्सट्रीम ब्लैक होता है, और जो उसके हेड वाला एरिया होता है वो रेड होता है। सो यहाँ पर क्या कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस टाइम पे वुमेन जो थी वो ब्लैक, अरे सॉरी, उसने कैप जो पहना था वो रेड कलर का कैप पहना हुआ था, सो वो रेड कैप उसके वुड पैकर बनने के बाद भी वहीं पे एग्जिस्ट करता था, जैसे कि वुड पैकर के रेड वाला एरिया होता है, एंड बाकी तमाम जो शरीर था वो बिल्कुल ही जलकर एकदम ही कोल हो गया था, कोल की तरह ब्लैक हो गया था, कोयले की तरह ब्लैक हो गया था। सो आपने देखा होगा किस तरीके से वुड पैकर जो होता है वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है, एंड देन ऊपर हेड के एरिया में रेड होता है। सो ये बिलीव किया जाता है कि वही वो विमेन है जिसको कर्स किया गया है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री मतलब यहाँ पर बेटा कंट्री साइड, जो भी
गांव के एरिया के बच्चे हैं वो क्या बिलीव करते हैं, हैज सीन हर इन द वुड, सबने उस वुड पैकर को देखा है जंगलों में, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जो आज भी रहती है उसी जंगलों में ट्रीज के बीच में, एंड बोरिंग फॉर फूड, एंड मशक्कत करती रहती है, डिगिंग करती रहती है फूड के लिए। सो आपको इस पोएम से लर्न क्या सीखने को मिला कि अगर आप ग्रीडी हो गए सो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, आपके साथ ही आने वाले समय में गलत होगा। ग्रीडीनेस जो लालच जो होता है वो हमेशा ही गलत होता है। अगर आपके पास है बच्चा, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं उसमें लोगों के लिए करने की कोशिश करो, लोगों को देने की कोशिश करो, एंड लोगों की मदद करने की कोशिश करो, स्पेशली उन लोगों की मदद करने की कोशिश करो जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। आई नो कि देयर लॉट्स ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, सो क्या पता अगर उनके पास मान लो कि करोड़ों हैं, तो अगर वो किसी की मदद करते हैं 1,00,000 से और आपके पास 100 रुपये और आप मदद करते हो किसी की 10 रुपये से, सो दोनों ही इक्वल हुए, क्योंकि वॉट रियली मैटर्स कि आपकी क्वालिटी ऑफ इंटेंशन क्या है। क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती है, जितना है उसमें लोगों की मदद करने की कोशिश करो। तो लालच एक बुरी बला, आपने सुना है ना, वही चीज़ इस औरत के साथ हुई है। मे बी स्टोरी ऑथेंटिक हो ना हो, लेकिन इससे सीखने को ये मिल रहा है कि कभी भी इंसान को इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा माइजर नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ग्रीडी कभी नहीं होना चाहिए, कि लालच जो होती है वो कहीं ना कहीं आगे चल के आप ही के लिए हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड बिफोर एंडिंग इन दिस वीडियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर लाइफ बेटा, जस्ट हेल्प दोज पीपल, स्पेशली दोज पीपल हु ऑल आर इन नीड, बिकॉज अगर आज आप उनकी मदद करोगे तो कल आपकी कोई मदद करेगा। ओके, सो That's it for today. Just take care of yourself and try to be more human every day. Because अगर आप human हो तो अंदर से भी आपको human होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको एक कहीं ना कहीं वो आपके लिए blessing का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको या भगवान ने आपको एक नियमत दी है, अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तो वो छिन भी जाएगी। ठीक है, सो जस्ट हेल्प ईच एंड एवरी वन एंड ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बींग।